आज की शाम मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की और लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया के इस बाइबल अध्ययन के समय में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो आप जो हमसे निरंतर इस ऑनलाइन माध्यम से बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए हैं, आप सबको ज्ञात है, आप सबको पता है कि पिछले महीने में यानी पिछले 4 रविवारों में हमने यहूदा की पत्री से अपने बाइबल अध्ययन को किया और हमने इस बात को सीखा, जाना और देखा कि कैसे हम झूठे शिक्षकों, झूठे भविष्यवक्ताओं से बच सकते हैं, उनके गुण क्या हैं, उनका न्याय कैसे होगा और उनका चरित्र कैसा है। ऐसी कई सारी बातों को यहूदा ने अपनी पत्री के माध्यम से हमें सिखाया और मुझे पूरी आशा है कि आपने उस अध्ययन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रार्थना की ओर। 1 अक्टूबर की दिन हमारी कलीसिया का पूरी रात्रि का एक प्रार्थना सभा था और 200 से भी ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद थे और हम सब ने परमेश्वर की भारी उपस्थिति का आनंद उठाया। परमेश्वर के समय में हम लोगों ने बैठकर प्रार्थना को किया तो मैंने सोचा आज की शाम क्यों नहीं हम प्रार्थना के विषय में एक छोटे से बाइबल अध्ययन को रखें और सीखें कि क्या हम एलिया नबी या अलाइजा के जीवन से, प्रार्थना के जीवन से सीख सकते हैं। सो दिस इवनिंग आई थॉट इट विल बी गुड फॉर अस एज अ चर्च, एज अ कम्युनिटी ऑफ गॉड टू लर्न फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द प्रेयर लाइफ ऑफ अलाइजा द प्रॉफिट। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज की शाम में एक छोटे से अध्ययन को आलिया नबी के या अलाइजा के प्रार्थना के जीवन पर रखना चाहता हूं मेरे प्रियो। तो इसलिए आइए आज की शाम हम प्रार्थना के जीवन के विषय में सीखेंगे कि कैसे हमें प्रार्थना करना है और इसके लिए हम आलिया या अलाइजा प्रॉफिट के जीवन को देखेंगे मेरे प्रियो। पहली चीज जो हम अलाइजा के जीवन में देखते हैं या आलिया नबी के जीवन में देखते हैं वो ये है कि वो निरंतर और संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहा। अलाइजा द प्रॉफिट वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। जब परमेश्वर ने मानव की रचना को किया तो आपको पता चलेगा उत्पत्ति का 1 अध्याय 2 अध्याय उसका उद्देश्य ये था कि मानव हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। When God created human beings, his sole purpose, his sole desire for us was to completely depend on him. For what? For our survival, for our sustenance, for our growth and for our protection. मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मानव की रचना को किया तो उसका उद्देश्य यह था कि मानव परमेश्वर पर निर्भर हो जाए अपने बचाव के लिए, अपने रखरखाव के लिए, अपने बढ़ने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में हम क्या देखते हैं, शैतान आया और उन्हें भरमाया और वो पाप में गिर गए। और वो कैसे गिरे? शैतान ने उनसे बोला, इफ यू ईट फ्रॉम दिस ट्री, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, यू विल बी लाइक गॉड। उनकी परीक्षा ये थी, उसने ये कहकर उनकी परीक्षा ली कि अगर तुम इस वृक्ष के फल से खाओगे जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो उनकी परीक्षा ये थी या उनको लालच जो शैतान ने दी वो थी कि अगर तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। इसका मतलब क्या था कि तुम्हें अब और परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहना होगा, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इस कारणवश और यही समस्या आज के संसार की भी है, द ह्यूमैनिटी डजंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन गॉड। मनी हैज़ बिकम आर गॉड, राइट? Status has become our God. Pride has become our own God. We ourselves are become own God. We think we are untouchable. हमारे लिए हमारा पैसा, हमारी उपाधियां, हमारे घर या हम खुद परमेश्वर बन गए हैं और अब हम किसी और पर निर्भर होना नहीं चाहते। लेकिन एक बात जो हम आलिया नबी के या अलाइजा द प्रॉफिट के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि वो निरंतर परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहा। उसके प्रार्थना के जीवन में ये बात बड़ी अद्भुत है। जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो 1 राजा उसका 17-18 अध्याय को, आप देखेंगे कैसे अलाइजा भविष्यवक्ता परमेश्वर के ऊपर हर एक बात के लिए निर्भर रहता था। कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा। पहला उदाहरण, जब उसने ये भविष्यवाणी अहाब राजा के सामने करी कि बिना उसके बोले अब इज़राइल में मेह भी नहीं गिरेगी, वर्षा भी नहीं होगी और ओस भी नहीं गिरेगी, तो पूरे इज़राइल में सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ा तो उसके लिए भी सूखा पड़ा क्योंकि वो भी इज़राइल में रहता था। लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था, वो उस सूखे पर भी परमेश्वर पर निर्भर रहा। और जब उसने परमेश्वर पर निर्भर रहा
When he depended completely on God, God provided for him. परमेश्वर ने कैसे उसके लिए मुहैया कराया, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं पहला राजा 17:5-6। मेरे प्रियो, पहला राजा 17:5-6 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का यह वचन मानकर कि वह यर्दन के पूर्व में किरित नामक नाले के में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। जबकि पूरे इसराइल में सूखा पड़ा था, पानी भी पीने के लिए नहीं था, लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात मानकर किरित नामक नाले के पास जाकर वो छिप गया, तब परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, कौओं के द्वारा रोटी, कौओं के द्वारा मांस और नाले के द्वारा पानी को उपलब्ध कराया। मेरे प्रियो, व्हेन एलाइजा डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन गॉड बाय लिसनिंग टू हिम, गॉड प्रोवाइडेड फॉर हिम द फूड, नॉट ओनली फूड द ब्रेड बट ऑल्सो मीट फॉर हिम टू ईट, सो दैट हिज बॉडी कैन बी नरिश्ड, एंड ऑल्सो फ्रेश वाटर फॉर हिम टू ड्रिंक। सो व्हेन वी कंप्लीटली डिपेंड ऑन गॉड, गॉड विल टेक केयर ऑफ आवर नीड्स। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, निर्भर हो जाएंगे, तब परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, हमारी चिंता करेगा। भले ही हर जगह सूखा क्यों ना पड़ा हो, लेकिन वो आपके लिए मुहैया कराएगा। मेरे प्रियो, the entire land of Israel dried, but the faithfulness of Elijah never died. Let me repeat this, the entire land of Israel dried because there was no rain, but the faithfulness of Elijah never dried up. Pura Israel ka bhoomi mein sukha pad gaya, akal aa gaya, lekin Elijah bhavishyavakta ka vishwas yogyata kabhi nahi sukhi, lekin uski vishwas yogyata, parmeshwar par nirbhata, nirbhar rehna ka jo uska ek chalan tha, wo badhta chala gaya. mere priyo, isliye pehli baat jo hum Elijah जो भविष्यवक्ता था उसकी प्रार्थना के जीवन से सीख सकते हैं, जब आप और मैं प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाए, क्योंकि बाइबल बताती है जकरिया नबी की पुस्तक में, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन सिर्फ आत्मा के द्वारा हर एक बात संभव है। मेरे प्रियो, इसलिए जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, इस बात को समझिएगा आत्मिक आयाम में, कि ना मेरे शारीरिक शक्ति से ना बल से ये संभव होगा, लेकिन आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो जाएगा। इसलिए जब आप और मैं प्रार्थना करने के बैठे, हमें क्या करना है, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना है। When you and I sit in prayer with God or praying to God, we have to completely depend on God for everything. Hallelujah. And when we depend on Him, He starts acting for us. और जब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, वो अपने काम को हमारे लिए करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, पहली बात हम एलाइजा नबी के प्रार्थना के जीवन से सीख सकते हैं, वो है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। सेकेंड थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रेयर लाइफ ऑफ एलाइजा इज दैट एलाइजा प्रेड बोल्डली फॉर मिरेकल्स। दूसरी बात जो एलाइजा के प्रार्थना के जीवन से हम सीख सकते हैं, वो ये है कि एलाइजा बड़े हियाव के साथ बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को के लिए प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, कुछ हटकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, टुडे गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु विल प्रे फॉर थिंग्स विच आर पॉसिबल। लेट मी रिपीट दिस, टुडे इन दिस टाइम गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु हैव टू प्रे फॉर और हु आर प्रेइंग फॉर थिंग्स विच आर पॉसिबल, बट ही इज लुकिंग फॉर अ जनरेशन हु विल प्रे फॉर थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल, because he is a God who is there to do impossible things. और इसलिए आज की शाम मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं खोज रहा जो संभव बातों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन वो तो ऐसे लोगों की तलाश करता है, ऐसी पीढ़ी को खोज रहा है जो असंभव बातों के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। And when we look at the life of Elijah, we see that he prayed for things that were impossible in the humanly realm. In the physical realms, those things were impossible. But in the spiritual realm, he knew that God will do it for his glory. और जब हम Elijah के प्रार्थना को, जीवन को देखते हैं, हम पाते हैं वो ऐसी बातों के लिए, ऐसे चिन्ह चमत्कारों के लिए प्रार्थना करता है
जो शारीरिक आयाम में संभव है, लेकिन आत्मिक आयाम में वो जानता था परमेश्वर इसको करेगा। सो कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहला राजा और उसका 18वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे और 36वें वचन से पढ़ेंगे तो एक बहुत बढ़िया कहानी वहां पर है बाल के नबियों की। जब एलाइजा बाल के नबियों से कहता है ठीक है तुम प्रार्थना करो और वेदी पर बलिदान चढ़ाएंगे और जिसका परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देगा उसका परमेश्वर परमेश्वर है। और आपको पता है पहले बाल के नबी गए, छाती पीटी, खुद को काटा, मारा, चिल्लाए 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 और शाम हो गई, लेकिन उसके परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। और तब जब शाम हुई, बलिदान का समय आया, एलाइजा भविष्यवक्ता ने कहा पानी लेकर के आओ और वेदी पर डाल दो। यानी असंभव बात है कि भीगी हुई लकड़ियों पर आग लग जाए। मेरे प्रियो, आप मुझे बताइए, आपके घरों में अगर आप कभी कहीं सर्दी में बाहर निकलते होंगे, किसी चूल्हे को अगर आप देखते होंगे, अगर उस चूल्हे के ऊपर कोई पानी डाल दे, क्या आप गीली लकड़ी कभी जल सकती है? और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ गीली नहीं लेकिन बाइबल में लिखा है पूरी वेदी पानी से भर गई। और तब एलाइजा ने बलिदान को काटकर लकड़ियों के ऊपर रखा और कहा, एक छोटी सी प्रार्थना को कहा कि हे परमेश्वर, आज के दिन देखने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है। और परमेश्वर ने आग स्वर्ग से उतरी और पानी समेत सब कुछ राख में बदल गया। मेरे प्रियो, सब कुछ राख में। तो एलाइजा ने ऐसी बड़े हियाफ के संग चिन्ह और चमत्कारों के लिए, असंभव बातों के लिए प्रार्थना किया। दूसरा उदाहरण, उसने प्रार्थना किया और 3.5 साल तक इज़राइल में पानी नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई। मेरे प्रियो, आप और मैं कितने हम में से इतना ही कह सकते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो बारिश नहीं होगी? मेरे प्रियो, लेकिन अगर हाँ वो बात परमेश्वर की महिमा के लिए है तो परमेश्वर उसे करेगा। लेकिन एलाइजा ने एक ऐसी बात के लिए प्रार्थना किया जो असंभव था प्राकृतिक आयाम में, लेकिन परमेश्वर ने उस बात को भी करके दिखाया और 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई और पानी आया जब उसने प्रार्थना करी, जैसा उसका वचन परमेश्वर के पास उसके पास आया। अगर एक और उदाहरण आपको दूं, वो विधवा का बेटा जो मर गया था, मेरे प्रियो, उसने प्रार्थना करी। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने के लिए कौन प्रार्थना करता है? अगर आज की शाम मैं आपसे कहूं आपके अगल बगल या किसी जान पहचान के व्यक्ति के घर में मृत्यु हो जाए तो आप दुखी होकर उसमें शामिल होने तो चले जाएंगे, लेकिन क्या आपके पास ये हियाव है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर होने दे, इसे आप जिंदा करें ताकि यहां आपकी महिमा हो जाए? मेरे प्रियो, असंभव बातों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसके पास एक बड़ा विश्वास था, मजबूत विश्वास था। तो जो दूसरी चीज हम एलाइजा के प्रार्थना के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि ही प्रेड बोल्डली फॉर मिरेकल्स एंड साइंस। द सेकेंड थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द प्रेयर लाइफ ऑफ एलाइजा इज दैट ही प्रेड बोल्डली फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स, ही प्रेड बोल्डली फॉर साइंस एंड मिरेकल्स फ्रॉम द लॉर्ड। उसने बड़े हियाव के संग चिन्ह और चमत्कारों के लिए, असंभव बातों को होने के लिए प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तब हम क्या प्रार्थना करते हैं? रोटी सब्जी के लिए, पेट दर्द के लिए, या असंभव बातों के लिए कि प्रभु हम लखनऊ में आपकी बेदारी को देखना चाहते हैं, यूपी में आपकी बेदारी को देखना चाहते हैं, भारत में आपकी बेदारी को देखना चाहते हैं। हर एक घुटना झुक जाएगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि वही परमेश्वर है। प्रभु हम इस बात को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कैसी प्रार्थना को हम कर रहे हैं? मेरे प्रियो, असंभव बातों के लिए प्रार्थना करिए, हियाव के संग बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के लिए प्रार्थना करिए। होने दे, जब आप, कई बार यह कहना आसान होता है कि उसके पास विश्वास नहीं था इसलिए चंगाई नहीं आई। आपके पास कितना विश्वास था जब आपने उसके लिए प्रार्थना किया? कई बार चंगाई इसलिए नहीं आती, उस व्यक्ति के पास तो विश्वास है, आपके पास विश्वास नहीं है जो प्रार्थना करता है। क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? आपके अंदर ये संदेह है। मेरे प्रियो, अगर विश्वास से आप उसकी महिमा के लिए करना चाहेंगे वो करेगा, करके देखिए। लेकिन बड़े बड़े प्रार्थनाओं के लिए ही आपके संग चिन्ह और चमत्कारों के लिए प्रार्थना करिए। तो सेकंड थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम द प्रेयर लाइफ ऑफ एलाइजा इज दैट ही प्रेड बोल्डली फॉर मिरेकल्स, ही प्रेड फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स। वी नीड टू प्रे इन आवर प्रेयर लाइफ, वी नीड टू प्रे बोल्डली फॉर मिरेकल्स, साइंस एंड इम्पॉसिबल थिंग्स, दैट गॉड विल डू इट फॉर हिज ग्लोरी। तीसरी बात जो हम एलाइजा के प्रार्थना के जीवन से सीख सकते हैं वो है, एलाइजास प्रेयर पॉइंटेड पीपल बैक टू गॉड। Let me repeat it. Elijah's prayer pointed people back to God. Elijah का प्रार्थना का जीवन दूसरों को परमेश्वर की ओर खींचता था। So, उदाहरण दे देता हूं, वो विधवा का बेटा जो मर गया था, 3 बार एलाइजा ने उसके लिए प्रार्थना करी और 3री बार वो बेटा जिंदा हो गया मरे हुओं में से। और तब विधवा एक बात को कहती है, मेरे को नहीं पता आप में से कितनों ने ये कहानी अद्भुत सही रीति से पढ़ी है, लेकिन वो विधवा कहती है, अब मैं जान पाई कि तू परमेश्वर का दास है।
Now I know that you are a man from God. How will people know that you are a man or woman of God? They will know it by your prayer life. कैसे लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के लोग या जन हैं? वो तब जानेंगे जब आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो चिन्ह और चमत्कारों को, अद्भुत बातों को होता हुआ देखते हैं। मेरे प्रियो, तीसरी बात जो हम एलाइजा के प्रार्थना के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि उसकी प्रार्थनाएं लोगों को परमेश्वर की ओर खींचती थी। द थर्ड थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द प्रेयर लाइफ ऑफ एलाइजा द प्रॉफिट इज दैट हिज प्रेयर्स वुड ब्रिंग पीपल और अट्रैक्ट पीपल और पॉइंट पीपल towards God. What are our prayers doing? Let me ask this question from us this evening. Is your prayer life pointing others to God? Is your prayer life bringing others to God? क्या हमारा प्रार्थना का जीवन लोगों को परमेश्वर की ओर ला रहा है? क्या हमारे प्रार्थना के जीवन से लोग परमेश्वर को देख पा रहे हैं? It is a question for us to think. ये हमारे लिए एक सवाल है आज की शाम सोचने के लिए मेरे प्रियो। और इसलिए मेरे प्रियो आज की शाम इस बात को हम देखें कि हमारा प्रार्थना का जीवन एक ऐसा जीवन हो जो दूसरों को प्रार्थना की ओर, जो दूसरों को परमेश्वर की ओर, जो दूसरों को परमेश्वर की महिमा की ओर खींच लाए। मेरे प्रियो, हमारे प्रार्थना के जीवन को देखकर दूसरे प्रभावित हों और प्रार्थना करना शुरू कर दें, उनको भी पता चले कि हाँ एक ऐसा परमेश्वर है जो आज भी अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरी बात, एलाइजा की प्रार्थना लोगों को परमेश्वर की ओर खींचती थी। हमारी प्रार्थनाएं लोगों को कहाँ खींच रही हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं, प्रार्थना का जीवन लोगों को परमेश्वर की ओर ला रहा है? मेरे प्रियो, ये सोचने की बात है। चौथी और अंतिम बात, मैं जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता। चौथी बात जो हम एलाइजा के या एलिया नबी के प्रार्थना के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है, एलाइजाज प्रेयर वॉज कॉन्स्टेंट एंड फर्वेंट अंटिल ही गॉट द आंसर। Let me repeat, Elijah's prayer was constant and fervent until he got the answer. आलिया नबी का जो प्रार्थना थी वो निरंतर की प्रार्थना थी, वो उत्सुकता के साथ की जाने वाली प्रार्थना थी। यानी सिर्फ एक बार प्रार्थना कर उत्तर नहीं मिला तो वो चुप नहीं हुआ। लेकिन उदाहरण दे देता हूँ, विधवा के बच्चा जब मर गया तब उसने एक बार प्रार्थना किया वो जिंदा नहीं हुआ, दो बार प्रार्थना किया वो जिंदा नहीं हुआ, तीसरी बार प्रार्थना किया और वो जिंदा हो गया। जब 3.5 साल बाद के बाद उसने बारिश के आने के लिए प्रार्थना करी, एक बार प्रार्थना करी बारिश नहीं आई, दूसरी बार नहीं, तीसरी नहीं, इसी तरीके से 7वें बार जब उसने प्रार्थना किया तब बारिश आई। मेरे प्रियो, पहला राजा 18:42 1 Kings 8:18:42 यू कैन रीड इट फॉर योर सेल्फ। 7वें बार प्रार्थना करने के बाद बारिश हुई। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? एलाइजा का प्रार्थना का जीवन या एलाइजा की प्रार्थना निरंतर की प्रार्थना थी। निरंतर की ही नहीं, लेकिन निरंतर वो बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े जुनून के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े बोझ के संग प्रार्थना करता था। अगर एक बार उत्तर नहीं मिला, हम में से कई क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उत्तर नहीं मिला ठीक है परमेश्वर की मर्जी नहीं। मेरे प्रियो, कई बार आपको एक बार प्रार्थना नहीं 2 बार करनी पड़ेगी, कई बार 3 बार में उत्तर आएगा, कई बार 7 बार या 7 साल तक प्रार्थना करनी पड़ेगी और तब उत्तर आएगा। लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। जब परमेश्वर चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रार्थना नहीं सुन रहा, बट उसका मतलब ये है कि वो एक बड़ी महिमा को आपके लिए तैयार कर रहा है। When God is not answering your prayer doesn't mean he is deaf to your prayers. It means that he is listening, but he is preparing a greater glory, a greater deliverance, a greater breakthrough for you. So don't stop praying. प्रार्थना करना छोड़िए मत। जैसे एलाइजा ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसके प्रार्थना का जीवन, उसकी प्रार्थना निरंतर की प्रार्थना थी। निरंतर वो सिर्फ निरंतर प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन निरंतर उत्सुक होकर प्रार्थना करता था, जुनून के साथ प्रार्थना करता था, गर्म जोशी से प्रार्थना करता था, गंभीरता से प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, और उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और इस कारणवश परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी दिया। तीसरी बार उसने जब विधवा के बेटे के लिए प्रार्थना करी वो मरे, वो में से जी उठा। 7 बार जब उसने वर्षा के लिए प्रार्थना करी, बारिश के लिए प्रार्थना करी तो पानी बरसा। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगातार, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो लगातार प्रार्थना करने का जीवन चाहिए।
और सिर्फ लगातार प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, लगातार प्रार्थना करने के साथ आपको उस प्रार्थना में एक जुनून चाहिए, एक गर्म जोशी चाहिए, एक बोझ चाहिए, एक गंभीरता चाहिए मेरे प्रियो। और जब लगातार जुनून के साथ, गंभीरता के साथ, गर्म जोशी के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उत्तर देगा मेरे प्रियो। When we pray to God with that passion, with that burden, with that zeal, with that hunger, God will answer. So don't stop praying, but continue to pray. So what can we learn from the life of Elijah's prayer? We can learn that he prayed continuously and fervently. हम क्या सीख सकते हैं? वो निरंतर प्रार्थना करता था और गंभीरता जुनून के संग प्रार्थना करता था, गर्म जोशी के संग प्रार्थना करता था। तो मेरे प्रिय, आज की शाम इन चार बातों के साथ मैं इस बाइबल अध्ययन को समाप्त करना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करने के लिए। अभी 1 अक्टूबर को हमने पूरी रात्रि की सभा को प्रार्थना में बिताया, लेकिन सिर्फ वो रात ही प्रार्थना की नहीं थी, उन्हें दे हमारा प्रार्थना एक जीवन शैली है। प्रेयर इज अ लाइफस्टाइल। यू कैन बी प्रेइंग व्हाइल यू आर ड्राइविंग, you can be praying when you are cooking, you can be praying when you are working in your offices, you can be praying when you are teaching. It is a lifestyle, my dear people. Prarthana ek jeevan shaili hai mere priyo. Aap kitchen mein ho sakte hain, aap prarthana karne wale ho sakte hain, aap gaadi chala rahe ho phir bhi prarthana karne wale ho sakte hain, aap apne karyasthalon mein kaam kar rahe ho, business sthalon mein business kar rahe ho, आप फिर भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना एक जीवन शैली है। 24 घंटे, 7 दिन और 365 दिन परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, चार बातों को जो हमने एलाइजा के प्रार्थना के जीवन से सीखा। पहली बात, एलाइजा कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। एलाइजा परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर था। दूसरी बात, एलाइजा प्रेड बोल्डली फॉर मिरेकल्स। एलाइजा ने हियाव के संग चिन्ह और चमत्कारों के लिए, असंभव बातों के संभव होने के लिए प्रार्थना करी। तीसरी बात, एलाइजा प्रेयर पॉइंटेड पीपल बैक टू गॉड। एलाइजा की प्रार्थना ने लोगों को परमेश्वर की ओर खींचा। और चौथी बात, एलाइजा प्रेयर वॉज कॉन्स्टेंट एंड फर्वेंट अंटिल ही गॉट द आंसर। एलाइजा का प्रार्थना का जीवन निरंतर प्रार्थना का जीवन था, और सिर्फ निरंतर नहीं, लेकिन उत्सुकता के साथ, जुनून के साथ, बोझ के संग एक प्रार्थना का जीवन था। जब तक उसको उत्तर नहीं मिला, तब तक वो प्रार्थना करता रहा। सो इफ दिस इवनिंग यू हैव अ क्वेश्चन, पास्टर ब्रदर टिल व्हेन शैल आई प्रे, आई वुड गिव यू द आंसर। अंटिल यू डोंट गेट द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर्स, कंटिन्यू टू प्रे। हो सकता है आज की शाम आपके पास भी ये सवाल हो कि पासवान भैया, मैं कब तक प्रार्थना करूं? जब तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले, तब तक प्रार्थना करते रहिए। एलाइजा कब तक प्रार्थना करता रहा? जब तक उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, तब तक वो प्रार्थना करता रहा। अय्यूब के जीवन को आप उठा करके देखिए, उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जेकब सेड, लॉर्ड अंटिल यू डोंट ब्लेस मी, आई विल नॉट लीव यू। मैनी पीपल हैव दिस रॉन्ग कॉन्सेप्ट that Jacob got his blessings because he fought with God. कई लोगों के पास ये गलत विचारधारा है कि याकूब को उसकी आशीष इसलिए मिली क्योंकि वो परमेश्वर के संग लड़ा। नहीं, याकूब को आशीष इसलिए मिली क्योंकि वो परमेश्वर को पकड़े रहा। He clinged on to God. He held on to God. क्योंकि उसने परमेश्वर से क्या कहा? मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। उसका कहने का मतलब था, अगर तुझे जाना है, सुबह हो गई है तो जा, लेकिन मैं तेरे संग लटका रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। यानी तू स्वर्ग जाएगा तो मैं तेरे संग स्वर्ग चलूंगा। वो परमेश्वर को थामे रहा। He got his blessings because he held God, because he clinged to God until God really blessed him. You also cling to God, hold on to God until God doesn't answer your prayers. आप भी परमेश्वर को थामे रहिए, उसको पकड़े रहिए, जब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे मेरे प्रियो। इसलिए आज की शाम मेरे प्रियो, हमारे लिए, मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जितना मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूँ, उतनी ये शिक्षा मेरे लिए भी लागू है, कि हम सब का प्रार्थना का जीवन होने पाए। और कैसा जीवन? कैसा प्रार्थना का जीवन? ऐसा प्रार्थना का जीवन कि हम हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हों, हम बड़े हियाव के संग, साहस के संग, चिन्ह और चमत्कार और असंभव बातों के संभव होने के लिए प्रार्थना करें। तीसरी चीज़, हमारी प्रार्थना का जीवन दूसरों को परमेश्वर की ओर खींचे। और चौथी बात, हम निरंतर उत्सुकता, जुनून और बोझ के संग प्रार्थना करने वाले लोग बने। जब तक हमें प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले, तब तक हम प्रार्थना करने पाए।
मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है इस छोटे से अध्ययन से आज की शाम आप सब आशीषित हुए हैं, और किसी भी समय अगर आपके पास कोई सवाल उठता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल को पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पास वापस उस जवाब को देने के लिए। या आपके पास कोई प्रार्थना का बिंदु है, वहाँ पर नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल, उस नंबर पर कॉल कर आप अपनी प्रार्थना के बाद को हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया के जो सदस्य हैं मेरे प्रियो, अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन आज की शाम मैं प्रोत्साहित करूँगा, सोने से पहले ऐसे प्रार्थना जीवन को बनाइए, क्योंकि हम सबको एक ऐसा प्रार्थना का जीवन चाहिए मेरे प्रियो। मुझे पूरी आशा है आज की शाम आप इस बाइबल अध्ययन से आशीषित हुए हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम पुनः पहला कुरिन्थियों की जो पत्री पर हमारा अध्ययन चल रहा है उसको वरिष्ठ पासवान पुनः शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप पहला राजा उसका 17 और 18 अध्याय पढ़ सकते हैं, और इस अध्यायों में आपको एलाइजा के प्रार्थना के जीवन के विषय में कई सारी बातें को सीखने के लिए मिलेगा। आप सबको जय मसीह की, और शुभ रात्रि, और परमेश्वर आप सबको आशीष दें।